भिखारी के खोए हुए बैग में मिले 172,000 रुपए। पुलिस भी रह गई दंग और हैरान। क्या कहेंगे इस बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम और आप सोचते हैं कि जो लोग भीख मांगते हैं वो कितने गरीब होते हैं, और तभी वो भीख मांगते हैं, गुजारा करते हैं, और हम उन्हें दान भी देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ भिखारी, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली भिखारी ऐसे होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है। तो अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, हमने आपको कई वीडियोस ऐसे दिखाए जहाँ पर कई गरीब भिखारियों के पास लाखों की दौलत मिली है। तो ऐसी ही खबर है ये, पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गरीब लोगों और भिखारियों की मदद के लिए जब हम आगे आते हैं, उन्हें दान देते हैं, तो आपको मालूम नहीं है कि उनके पास करोड़ों रुपए भी होते हैं कई बार। तो ऐसा ही एक भिखारी यहाँ पर मिला है, और आपको ये बता दें कि कई बार अरबों के मालिक भी हैं भिखारी, वो फिर भी भीख मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका काम है, उन्हें करना ही चाहिए। तो महाराष्ट्र से आ रही है खबर, यहाँ पर एक भिखारी है बैजनाथ मंदिर के बाहर, ये रोज भीख मांगते थे। इनका नाम बाबूराम नायकवाड़े है, कई सालों से भीख मांग रहे हैं। इनके पास एक बैग था, अचानक वो बैग खो गया, वो पुलिस को मिला। जब पुलिस को मिला तो उसको खोला गया तो देखा कि उसके अंदर 172,290 रुपए थे। पुलिस हरकत में आई, बाबू राव का बैग खोजने की शुरुआत की गई। करीब 3 घंटे के बाद पुलिस को वो बैग मिला, उसमें 172,000 रुपए मिले, वो भी पूरी तरह सुरक्षित। क्या कहेंगे आप, कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप समझ गए होंगे कि भिखारी असल जिंदगी में भिखारी नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं और अर्निंग कर रहे होते हैं।